नई बहू की जादुई खीर पूड़ी। बॉबी रसोई के अंदर खड़ी होती है और वो यहाँ से वहाँ घूम रही होती है। कुछ कर बॉबी, कुछ कर। अगर तेरी सास को पता चल गया कि तुझे खीर पूरी भी बनाने नहीं आती तो पता नहीं तेरे साथ क्या होगा। बॉबी बहुत देर से परेशान हो रही होती है क्योंकि उसने कभी खाना बनाना सीखा ही नहीं था, जिसके चलते उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। आज माँ होती तो मुझे ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ मुझे पहले ही सब कुछ सिखा कर भेजती। आज मेरी पहली रसोई है और पहली रसोई में ही सब लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। अपनी माँ को याद करके बॉबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तभी उसकी स्वर्गीय माँ उसके सामने प्रकट होती है। अरे बॉबी, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी भी बच्चों की तरह रो रही हो। मैंने तुम्हें बचपन में सिखाया था ना कि कोई भी परेशानी हो तो उसे समझदारी से सुलझाया करो। बॉबी अपने सामने अपनी स्वर्गीय माँ को देखकर अचंभित रह जाती है, जिसके बाद वो अपनी आंखों को मसलती है और अपने आंसू पोंछकर अपनी माँ से कहती है, माँ क्या ये तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम यही हो। हाँ बॉबी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मेरी बॉबी इतनी प्यारी है कि मैं उसकी बेइज्जती थोड़ी होने दूंगी। चलो अब अपने हाथों को आगे करो। बॉबी अपने हाथों को आगे करती है, जिसके बाद शकुंतला उसके हाथों पर अपने हाथ रख कर कहती है, आज के बाद तुम जो भी खीर पूरी बनाओगी वो बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब होगी। जो भी कोई खाएगा वह तुम्हारे गुणगान करने लगेगा। शकुंतला के इतना कहते ही उसके हाथों से रोशनी निकलती है और बॉबी के हाथों में चली जाती है। देखो बॉबी, तुम अपने हाथों की खीर पूरी के जादू के बारे में कभी किसी को मत बताना, मगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा ये जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं ये सब किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसकी माँ के जाने के बाद बॉबी खीर पूरी बनाने लगती है। बॉबी बॉबी, आज सब खाएंगे बॉबी के हाथ की खीर पूरी, और ये भी मामूली खीर पूरी नहीं है बल्कि जादुई खीर। बॉबी जैसे जैसे खीर पूरी बनाने लगती है, खीर पूरी के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तभी उसकी सास उसके पास आती है। अरे बॉबी, कितनी देर हो गई, तुमने अभी तक खीर पूरी नहीं बनाई। वैसे तुम्हारी खीर पूरी में से खुशबू तो अच्छी आ रही है। बस माँ जी, खीर तो बनने ही वाली है, आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आज मेरे हाथों की खीर पूरी के साथ साथ अपनी उंगलियां भी जाग जाओगी। अरे तेरी दो जेठानियां तो मुझे खीर खिलाकर खुश नहीं कर पाई, तू ही क्या खुश कर पाएगी। फिर भी मैं तेरी हाथों की बनी खीर जरूर खाऊंगी। अरुणा ये कहकर रसोई घर से बाहर चली जाती है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में वो खीर पूरी बना लेती है और उस खीर पूरी को सभी के लिए परोस कर सबके पास लेकर आती है और एक एक करके सबको खीर पूरी खिलाती है। जैसी अरुणा खीर पूरी खाती है, उसे खीर पूरी बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है, इतनी स्वादिष्ट खीर पूरी तो मैंने कभी नहीं खाई। अरे मैं तो कहता ही था, मेरी बहू बहुत ज्यादा गुणवाणी है, देखा कितने अच्छे गुण हैं इसके अंदर। अरे माँ, खीर पूरी तो सच में बहुत स्वादिष्ट बनी है। अब आप अपनी बहू बॉबी को उसकी पहली रसोई में इतनी अच्छी खीर पूरी बनाने के लिए कोई तोहफा नहीं दोगी? तोहफा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अरे जरूर दूंगी। अरुणा अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी खोलकर उसमें से डायमंड का नेकलेस निकाल कर लाती है और उस नेकलेस को बॉबी को देते हुए कहती है, ले बहू, तेरी दोनों जेठानियां तो इस डायमंड के हार को लेने के लिए कई बार खीर बनाती रही, लेकिन मुझे आज तक किसी की खीर पूरी पसंद नहीं आई। मैंने अपनी स्वर्गीय सास से वादा किया था, जो बहू मुझे सबसे अच्छी खीर पूरी बनाकर खिलाएगी मैं उसे डायमंड का नेकलेस दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी आपका। बॉबी को बहुत अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानियां ये सब देखकर जल भुन जाती है। अरे इस नई बहू ने आकर तो कमाल ही कर दिया। ओम फो, कते दुराटे काट रही है ये नई बहू। माँ जी ने मुझे तो कभी कुछ नहीं दिया, जब मैंने इतनी अच्छी अच्छी खीर पूरी बनाकर माँ जी को खिलाई थी। ये तो सरासर नाइंसाफी है। अंजलि के ये कहते ही बॉबी सुन लेती है, जिसके बाद वो एक कटोरी में खीर पूरी उठाकर एक चम्मच अंजलि के मुँह में डालते हुए कहती है, अरे दीदी, नाइंसाफी आपके साथ नहीं होगी, आप भी जरा खाकर देखिए मैंने खीर पूरी कैसी बनाई है। बॉबी एक के बाद एक चम्मच खीर पूरी की अंजलि के मुंह में डालती जाती है। अंजलि भी शौक शौक में खीर पूरी खाती है, फिर खाने के बाद उसे भी खीर पूरी बहुत पसंद आती है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बनी है,
अरे दल बदलू, तूने तो मिनटों में पार्टी बदल दी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, इतने सालों से तू मेरे साथ थी और आज नई बहू के साथ हो गई। मैं इसकी हाथ की खीर पूरी कभी नहीं खाऊंगी। रितिका ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सभी लोग खीर पूरी खाकर बहुत खुश होते हैं और शकुंतला बॉबी के हाथों की खीर पूरी दोबारा उससे बनवाती है। अरे बहू, खीर पूरी तो खत्म हो गई लेकिन मेरा मन नहीं भरा। एक काम कर, थोड़ी सी खीर पूरी और बना ले। बॉबी रसोई में जाती है और अपनी जादुई खीर पूरी बनाकर अरुणा के पास ले आती है। आए हाय हाय हाय, बहू क्या खीर पूरी बनाई है तूने, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। अरुणा चम्मच भर भर के खीर पूरी खाने लगती है, उसे खीर पूरी बहुत पसंद आती है। जिसके बाद बॉबी अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, अच्छा हुआ जो आज माँ आपने मेरी मदद की। आज अगर आपने मुझे अपनी जादुई शक्ति ना दी होती तो मैं जादुई खीर नहीं बना पाती। लेकिन मुझे ये राज अपने तक ही रखना होगा, अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो मेरी जादुई शक्तियाँ हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। अरे आप लोगों ने तो ऐसा सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो कुछ बॉबी के साथ भी ऐसा ही होता है। वो ये सब कहती ही है कि उसकी जेठानी रितिका ये सब सुन लेती है। अरे वाह क्या बात है, इस बेचारी भोली भाली देवरानी का राज तो मेरे कानों ने सुन लिया। अब तो बेचारी का जादू भी गायब हो गया होगा। कल सासू माँ जी बहुत खुश होकर इससे सभी पंडितों के लिए खीर पूरी बनवाएंगी। कल पता चल जाएगा कि आखिर इस नई नवेली बहू को खीर पूरी बनाने आती है या नहीं। रितिका बहुत खुश होती है और कल का इंतजार करने लगती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुबह सुबह हवन के लिए पंडित आ जाते हैं। बॉबी, मैं चाहती हूँ कि तू अपने इन शुभ और स्वादिष्ट हाथों से हमारे पंडितों के लिए एक स्वादिष्ट खीर पूरी बनाए। जा जल्दी से, फिर बना कर ले आओ। आप चिंता क्यों करती हो माँ जी, अभी देखो मैं कितनी स्वादिष्ट खीर पूरी बना कर लाती हूँ। बॉबी रसोई में जाती है और फिर बनाने लग गई है। वहीं दूसरी तरफ रितिका ये सब देखकर खुश हो रही होती है। कुछ देर में बॉबी खीर पूरी बनाकर सभी पंडित और अपनी सास अरुणा को परोस देती है। खीर खाने के बाद सभी पंडित शकुंतला से उसकी बहू की तारीफ करते हैं। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट खीर पूरी बनाई है जिसने बनाई है, हम उसे नेक देना चाहते हैं, जरा उसे हमारे पास बुलाइए। अरुणा बॉबी को बुलाती है, जिसके बाद सभी पंडित मिलकर बॉबी को अपने हाथों से नेक देते हैं। ये सब देखकर रितिका जलने लगती है और गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अरे इसके जादुई खेल का रास्ता मुझे पता चल गया था, फिर इसने इतनी स्वादिष्ट खीर पूरी कैसे बनाई। तभी रितिका के सामने बॉबी की स्वर्गीय माँ प्रकट होती है और उससे कहती है, क्योंकि बॉबी बहुत समझदार है, जब उसने अपनी पहली रसोई पर सबके लिए खीर पूरी बनाई थी तो उसके दिमाग में अच्छी खीर पूरी बनाने का सभी तरीका बैठ गया था और इसी वजह से उसने बिना जादू के भी अच्छी खीर पूरी बनाई। आप कौन? मैं बॉबी की स्वर्णिम माँ हूँ। ये सुनते ही रितिका अपने कमरे में ही बेहोश हो जाती है। उस दिन के बाद से रितिका बॉबी से बैर करना छोड़ देती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। केक बनाने और बेचने वाली गरीब सास बहू। राजीव ही एक अकेला अपनी पत्नी सुरेखा, माँ सरस्वती देवी और 5 साल की बेटी मिहिका का घर खर्च उठाने वाला था। 2 महीने पहले ही एक अच्छी खासी फैक्ट्री से उसकी नौकरी छूट गई। इस वजह से वह काम ढूंढने लगता है। भाई साहब, क्या आपकी दुकान में कोई काम है? मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, कोई काम नहीं है मेरी दुकान में, पहले से बहुत कारीगर है। ठीक है भाई साहब। काम ढूंढते ढूंढते वो घर वापस लौट आता है, तभी उसकी माँ सरस्वती देवी कहती हैं, बेटा तुझे काम मिल गया क्या? बड़ी मुश्किल से एक एक दिन कट रहा है हम सबका। माँ, मैं जानता हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे आज भी कोई काम नहीं मिला है। सोच रहा हूँ कुछ नहीं करने से बेहतर है कि कम पैसों की नौकरी लग जाए, पर मिल ही नहीं रही है। राजीव, आप फिक्र मत कीजिए, आपको काम मिल जाएगा, हिम्मत मत हारिए। तभी उनके घर पर उनका मकान मालिक आता है और 2 महीने का बकाया किराया मांगता है, जो कि राजीव पर नहीं होता, और वह 1 महीने की और मोहलत मांगता है, जिससे मकान मालिक और आग बबूला हो जाता है। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। क्या समझ रखा है तुम किराए वालों ने, तुम्हारे पास पैसों से जुड़े सारे बहाने मिल जाते हैं, बस पैसे ही नहीं मिलते। अब तो तुम सबको धक्के मारकर घर से बाहर निकालना पड़ेगा। अरे बेटा ऐसे मत करो, हम सब कहाँ जाएंगे, बच्चा भी है साथ में, बस 1 महीने की और मोहलत दे दूं, उसके बाद चाहे हमें निकाल देना।
सरस्वती के हाथ जोड़ने पर वह उसका लिहाज करके एक महीने का और मोहलत देता है। तभी सुरेखा कहती है, माँ जी आज तो आपके कहने पर मकान मालिक रुक गए, पर अब क्या होगा? मीका की भी स्कूल की फीस देनी है, घर का राशन, घर का किराया, बिजली का बिल, बहुत कर्जा हो गया है माँ जी। हमें कुछ करना ही होगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी काम ढूंढ लेती हूँ, पता नहीं ऐसी गरीबी में और क्या क्या दिन देखना पड़ेगा। तो ठीक कहती है बहू, पर क्या काम करें इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि हाथ में पैसा नहीं है और काम भी करना है। खैर तू पहले खिचड़ी लगा दे खाने के लिए, और कुछ तो है नहीं घर में। अपनी सास की बात सुनकर सुरेखा खाना लगा देती है और सब चटाई पर बैठकर एक साथ खाना खाते हैं। और राजीव कहता है, मैंने खाना खा लिया सुरेखा, अब मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक मुझे काम न मिल जाए, मेरी चिंता मत करना। अरे पर राजीव, माँ ये तो चले गए, मुझे बहुत टेंशन लग रही है। सुना ना आपने क्या कहा, काम मिल जाएगा तभी घर आएंगे। हाँ बहू सुना मैंने, तू चिंता मत कर। तभी उनके घर पर पड़ोसन निर्मला अपने बेटे के जन्मदिन में बुलाने के लिए आती है। तभी शाम होते तीनों दादी पोती माँ उसके घर पर सूजी का हलवा केक लेकर पहुँच जाते हैं, जहाँ उसकी बेटी मिहिका सोनू को बोलती है, सोनू हैप्पी बर्थडे टू यू, ले मम्मी ने तेरे लिए सूजी का हलवा बनाया है। मैं तो अपने बर्थडे पर यही केक काटती हूँ, इसलिए तेरे लिए भी यही लाई हूँ। मेरे घर में सूजी का हलवा केक नहीं करता पागल, मम्मी पापा मेरे लिए केक लेकर आए हैं, मैं अभी काटूंगा। सोनू बेटा आजा केक काट ले। निर्मला के कहने पर सोनू केक काटता है और सभी लोग ताली बजाकर उसे विश करते हैं और गुब्बारे फोड़ते हैं। तभी निर्मला उन तीनों को केक खिलाती है, जिसे खाकर सुरेखा सरस्वती बोलते हैं, अरे बहू ये क्रीम वाली ब्रेड तो बहुत ज्यादा अच्छी है, तू क्यों नहीं लाती मीका के बर्थडे पर? अरे माँ जी आप जानती हैं ये कितना महंगा होता है, इसलिए तो मैं सूजी का केक बनाती हूँ मीका के लिए, और इसे क्रीम वाली ब्रेड नहीं केक बोलते हैं माँ जी। मैंने तो पहली बार खाया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे बहू ये केक कितना बिकता होगा बाहर दुकान पर? माँ जी ये समझ लीजिए रोज बिकता होगा, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई बच्चा पैदा होता है, किसी न किसी की ऑफिस पार्टी या किसी की शादी की सालगिरह होती है, तो ये केक तो रोज बिकता है बेकरी की दुकान पर। तुझे बनाना आता है? नहीं माँ जी। बहू मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम केक बनाने का काम खोले, जिससे रोज केक बेचकर पैसा कमाएंगे, और बनाना नहीं आता तो बनाना सीख लेंगे। बेकरी की दुकान पर चलते हैं आज हम और चुपके से देखेंगे। पर माँ जी ये सब ठीक होगा? हाँ बहू। तभी दोनों सास बहू 11 वाले की दुकान पर जाती हैं और उसे केक बनाता हुआ देख चुपके से दोनों देखती हैं, जिसे वह धीरे धीरे सीख जाती हैं। और तभी सुरेखा बोलती है, माँ जी ये बनाना तो सीख लिया, पर हम अवन कहाँ से लाएंगे, केक तो उसी में बनता है। उसे मैं अपनी कानों की बालियों को बेचकर खरीद लूंगी। ये सुनकर सुरेखा मानती नहीं है, पर सरस्वती उसे अपने साथ सुनार की दुकान पर बालियों को बेच देती है, जिससे उसे 25,000 रुपए मिलते हैं। उसमें वह सस्ता अवन और केक बनाने का सारा सामान ले आती हैं। वहीं राजीव को 5,000 रुपए की नौकरी मिल जाती है और सास बहू पहली बार अपना केक बनाते हैं जो कि जल जाता है। फिर सास बहू दोबारा केक बनाती हैं जो कि बहुत अच्छा था। और सुरेखा कहती है, माँ जी ये केक बनाने का सही तरीका है, पहले वाला गलत किया था हमने, अब हमें रेडी पर बेचना चाहिए। हाँ बहू वो बच्चे को एक एक पीस 5 रुपए का दे देंगे। तभी एक एक करके सास बहू का सस्ता केक खाने के लिए सब आते रहते हैं। पहले ही दिन उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। ये बात वह राजीव को बताते हैं, देखिए जी पहले दिन ही हमारे केक की दुकान अच्छी चली है और आपकी भी नौकरी लग गई, बहुत अच्छा दिन गया आज का तो। ये तो अच्छी बात है, पर मेरा कमाया हुआ सारा इस घर के किराए देने में चला जाएगा, 3 महीने के खाने का राशन मैं अभी नहीं जुटा पाऊंगा। तू उसकी फिक्र मत कर, हमारी पहली बोनी इतनी अच्छी हुई है कि आगे के 2 दिनों में और अच्छी हो जाएगी, तो राशन की चिंता तू मत कर। अब भगवान ने भला किया है तो अपना घर भी खरीद लेंगे हम। आले वा दादी हम नया घर खरीदेंगे, फिर तो मैं उसमें बहुत खेलूंगी। हाँ हाँ बेटा खेल लेना।
ऐसे ही अगले दिन भी दोनों सास बहू सुंदर सुंदर केक बनाकर बेचती हैं और छोटे साइज में उसकी पेस्ट्री भी बेचती हैं, जिससे उनकी धीरे धीरे डिमांड बढ़ने लगती है। 6 महीनों के भीतर ही वह सास बहू केक वाली के नाम से मशहूर हो जाती हैं और एक बड़ी सी बेकरी शॉप खोल लेती हैं, जहां उनके बड़े बड़े ओवन में एक साथ 10 केक तैयार हुआ करते थे। केक की डिमांड बढ़ने से बड़े बड़े पार्टी में 5 मंजिल केक, बार्बी डॉल केक, फोटो वाला केक बनाकर भी सास बहू अब बेचने लगी थी। एक शाम उनकी दुकान पर माँ बेटी आती हैं और कहती हैं, अच्छा आपके पास डोरेमोन वाला केक होगा क्या? वो क्या है ना, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। हाँ जी, ऑर्डर के अलग चार्जेस लगते हैं, शाम तक बन जाएगा आपका डोरेमोन वाला केक। मम्मी मेरे को डोरेमोन के साथ डोरेमोन वाली टोपी भी चाहिए। अरे बेटा, आपको डोरेमोन वाली टोपी मिल जाएगी, हमारे यहाँ सब कुछ है। बच्चों से रिलेटेड सभी प्रकार के केक बनाए जाते हैं और बच्चों की परी की ड्रेस, छड़ी, बर्थडे कैंप, कैंडल सब मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं शाम को आऊंगी आपके पास, ये लीजिए एडवांस पैसे। जी शुक्रिया। ये सुनकर बहू डोरेमोन वाला केक तैयार कर लेती है। शाम को माँ बेटी उस केक को ले जाती हैं। दुकान का काम बढ़ने से केक की डिलीवरी के लिए राजीव भी नौकरी छोड़कर अपनी दुकान में ही काम करने लगता है। ज्यादा केक ऑर्डर होने से उनके घर की स्थिति अच्छी हो जाती है, जिससे एक साल में वह अपना बड़ा सा घर बना लेते हैं, जिसमें उसकी छोटी सी मेहका गाड़ी चलाकर घूमती रहती है और सास बहू अपने केक की 3 ब्रांच और खोल लेते हैं। फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।